दोस्तों, गहरी नींद कैसे लें? गहरी नींद लेने के क्या उपाय हैं? किस स्थिति में सोना लाभदायक है? कौन सी करवट सोने से व्यक्ति की उम्र बढ़ती है? कौन सी दिशा में सोना फायदेमंद है? कितने समय सोना चाहिए और क्या करें कि आपको गहरी नींद आए? तो दोस्तों, आज हम गहरी नींद से संबंधित सभी सवालों के जवाब को जानेंगे। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके स्क्रीन के राइट हैंड साइड पर एक रेड बटन है जिस पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको प्रेस कर दीजिए। उसके साथ में बेल आइकन भी है, उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नए वीडियोज़ मैं लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले आपकी स्क्रीन पर और उस सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, हम नवजात शिशु की नींद को गहरी नींद कह सकते हैं। गहरी नींद से शरीर में प्रत्येक अंग प्रत्यंग को पूरा आराम मिलता है और खोई हुई एनर्जी फिर से प्राप्त होती है। सांस की गति धीमी हो जाती है और नाड़ियां धीरे धीरे चलने लगती हैं। गहरी नींद में सोने वाले को छूने या स्पर्श करने के साथ सुनने की शक्तियों का भी लोप होता है। 3 घंटे की गहरी नींद 8 घंटे की उथल पुथल की नींद से बेहतर है। पहले हम जानते हैं गहरी नींद लेने के उपाय। सूर्यास्त होते ही रात्रि का भोजन कर लेना चाहिए ताकि नींद आने से पहले भोजन पच जाए। एकदम खाली पेट या ठूस ठूस कर खाने से भी गहरी नींद नहीं आती। दोस्तों, गहरी नींद के लिए प्रतिदिन सही समय पर कोई भी आपकी रुचि के अनुसार व्यायाम करना चाहिए। सोने से पहले मन मस्तिष्क में चल रहे विचारों और दुनियादारी के झंझटों को शून्य कर देना चाहिए। सदैव खुश रहने का प्रयत्न करना चाहिए। दोस्तों, अच्छी नींद के लिए सोने से पहले दूध अवश्य पिएं। रात को सोने से पहले पखाना पेशाब से निवृत्त होकर तथा अपने हाथ और पैर मुंह धोकर अच्छे से बिस्तर पर जाना चाहिए। सोने का बिस्तर साफ सुथरा व अच्छी तरह बिछा होना चाहिए। एकांत व अंधेरा भी गहरी नींद के लिए ज़रूरी है। दोस्तों, अब जान लेते हैं सोते हुए मनुष्य की स्थिति क्या होनी चाहिए। मनुष्य बिस्तर पर किस स्थिति में सोता है, नींद पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। वैसे आपको जिस करवट में सुख मिले या अच्छी नींद आए वैसे ही सोना चाहिए। पीठ के बल या चित लेटने से गहरी नींद नहीं आती और स्वप्न अधिक दिखाई देते हैं। इसी तरह छाती पर हाथ रखकर नहीं सोना चाहिए। पीठ के बल सोने से शरीर की क्रियाएं ठीक नहीं हो पाती। खून का दौरा मंद गति से होने लगता है। पीठ के बल सोना रोगों को निमंत्रण देता है। बाईं करवट और सरल या सीधी रेखा में लेटना सर्वोत्तम माना जाता है। इसमें श्वास नली सीधी रहती है जिससे शरीर में वायु का संचार बगैर रोक टोक के होता है। इसका एक वैज्ञानिक कारण भी है कि शरीर के बाईं ओर की नाड़ी को ईड़ा तथा दाहिनी ओर की नाड़ी को पिंगला कहते हैं। ईड़ा नाड़ी चंद्रमा और पिंगला नाड़ी सूर्य की कल्पना की जाती है। बाईं करवट सोने से चंद्रमा की ठंडक के साथ सूर्य की उष्मता मिलने से शरीर में सौम्य संतुलन बना रहता है। बाईं करवट सोने से आयु लंबी होती है। फिर भी जो हृदय रोगी या दिल के मरीज हैं उन्हें बाईं करवट से न सोकर दाईं करवट ही सोना चाहिए। कुछ चिकित्सक पेट के बल सोना उत्तम मानते हैं, परंतु इस अवस्था में मुंह नीचे की ओर नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे नेत्र रोग होने का डर रहता है। पेट के बल सोने से पाचन क्रिया में सहायता मिलती है। दाहिनी करवट में ज़्यादा देर तक नहीं सोना चाहिए क्योंकि इससे लीवर पर दबाव पड़ता है। दोस्तों, सोने से पहले टहलना बहुत ज़रूरी है। आपको तब तक टहलना चाहिए जब तक आप थकान महसूस ना करें। इससे नींद अच्छी आती है। अच्छी नींद के लिए चारपाई या बेड के पायों के नीचे रबड़ के टुकड़े भी रखने चाहिए। सोते समय सिर को ऊंचा तथा धड़ को नीचे रखने से नींद अच्छी आती है। सोते समय अत्यंत हल्के व कम कपड़े पहनने चाहिए। अगर नींद नहीं आ रही है तो सोते समय सोहम मंत्र का जाप करने से 10 मिनट के भीतर नींद आ जाती है। सांस भीतर ले जाते समय सो और बाहर छोड़ते समय हम का मन ही मन उच्चारण करना चाहिए। इससे नींद बहुत जल्दी और अच्छे से आती है। दोस्तों, सोने का समय एक बार मैं सोने का समय बता देता हूँ आपको कि क्या सोने का समय होना चाहिए। बेस्ट स्वस्थ व्यक्ति के लिए 6 से 8 घंटे की सर्वोत्तम नींद जो है वो पर्याप्त है। शिशु की नींद 15 से 16 घंटे होनी चाहिए। वृद्ध व्यक्तियों, रोगियों, गर्भवती स्त्री और कमज़ोर लोगों को नींद की अधिकतम ज़रूरत होती है। स्त्रियों को पुरुषों के मुकाबले अधिक सोना चाहिए। व्यवहारिक दृष्टि से 9 बजे तक सो जाना चाहिए और प्रातः 4 बजे जागना सर्वोत्तम है। इस संबंध में एक इंग्लिश कहावत बेहद मशहूर है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज।
आइए नजर डालते हैं कुछ विशेष बातों पर। आवश्यकता से अधिक सोना भी रोगों को निमंत्रण देता है और मानव की आयु को घटाता है। नींद पूरी न करना भी घातक होता है। एक मानव अपने पूरे जीवन में 2/3 भाग सोने में व्यतीत करता है। सोते समय पूर्व तथा दक्षिण की तरफ मस्तक करके ही सोना चाहिए, इससे धन और हेल्थ की वृद्धि होती है। पश्चिम की तरफ मुंह करके सोने से हमेशा चिंता बनी रहती है। उत्तर दिशा की ओर सिर कर सोने से प्राण तत्व का भय होता है, इसलिए दक्षिण की ओर पैर और उत्तर दिशा की ओर सिर करके कभी नहीं सोना चाहिए। तो दोस्तों, यह तो थी नींद से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई हो, ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए इसको अपने दोस्तों के साथ। और हमसे जुड़े रहने के लिए और भी ऐसी ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।